एक आनंद का अपने आप बढ़ते एक पत्र हो रहे देखिए मैं गीता देवी पति का नाम श्री नागेश्वर तिवारी गोरखपुर के निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ गीता देवी तो हाथ हिला सकते हैं। मैं गीता देवी पति का नाम श्री नागेश्वर तिवारी गोरखपुर की रहने वाली कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गीता देवी पति का नाम नागेश्वर तिवारी गोरखपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती। अच्छा इधर है क्या? एक बार हाथ हिला दो। ठीक दिख गए दिख गए। श्री शिवाय नमस्कार। आ जाओ एक बेल पत्र ले लेंगे। मैं गीता देवी पति का नाम श्री नागेश्वर तिवारी गोरखपुर के निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं सबसे पहले तो आपसे पहले मैं पूनम बहन को प्रणाम करना चाहता हूं। धन्यवाद पूनम दीदी। धन्यवाद साधुवाद। पूनम बहन को प्रणाम करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे क्षेत्र में हमने कभी नहीं सोचा था कि शिव पुराण की कथा सुनने को मिल जाएगी। मैं धन्यवाद देती हूँ पूनम बहन। फिर गुरुजी आपसे कहना चाहती हूँ एक लोटे जल का क्या महत्व है। 2022 में मेरा पैर में तकलीफ हो गई। L4 L5 मेरी हड्डी खसक गई। कमर की भी और पैर में भी तकलीफ हो गई। चलने से मोहताज हो गई। लेटने बैठने से तकलीफ में आ गया। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन तक कह दिया। और कमर का ऑपरेशन होना ये बहुत कठिन काम है गुरुजी कि बाद में मैं जिंदगी भर बैठ पाऊंगी कि नहीं बैठ पाऊंगी, चल पाऊंगी कि नहीं चल पाऊंगी, कहीं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, कोई भरोसा नहीं था। हमने डॉक्टर से पूछकर अपने घर आ गए। मेरी जेठानी ने आपके बारे में मुझे बताया और आस्था चैनल पर कथा सुनना प्रारंभ करा। फिर मेरी बेटी रोज मुझे शिवजी के मंदिर ले जाती और जल चढ़वाती। एक बेलपत्र लेकर आते हम, वो बेलपत्र खाती, जल पूरे शरीर पर लगाते और आचमन भी करती। गुरुदेव धीरे धीरे थोड़ा सा आराम लगा पर पूरा आराम नहीं लग पाया। आपने बुधवार की अष्टमी का एक उपाय बताया था और एक चतुर्थी का उपाय बताया था और एक सोमवार की अष्टमी का मूंग और गुड़ का उपाय बताया था जो मैंने करा। करने के बाद में 2023 में आप कहते हो ना कि रुद्राक्ष महोत्सव में कथा सुनने का कितना महत्व है। मेरी शरीर से बन नहीं रहा था तो भी मैं 2023 के रुद्राक्ष उत्सव में सीहोर गई और कुबेरेश्वर धाम पर वहां बैठकर मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी। गुरुदेव नीचे बैठने का मना तो भी हम लोग वहां बैठ कर कथा सुने और वास्तव में वो कंकर शंकर की धरा है। वहां एक बार अगर कोई शिव पुराण की कथा सुन लेता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती ही है। वह ऐसी पवित्र धरा। गुरुदेव हमने वहां बैठकर कथा सुनी। वहां से रुद्राक्ष लाए। उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाए। उसका पानी शिवजी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पीना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा से जब हम दूसरी बार लखनऊ में डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो मेरा एक्सरे हुआ। उस एक्सरे में डॉक्टर ने कहा तुम पूर्ण तरह से ठीक हो गई हो, तुम्हारा शरीर वापिस काम करने लगा है और कमर भी काम कर रही है। मैं साधुवाद दिया। एक अच्छी लाइन लिखी है महाकाल करते हैं ना हो उदास तू मेरे लाल
मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आस पास हूँ, पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ, मैं महाकाल हूँ। शिव तत्व संभव हो गए, इसको पढ़ के मुझे हमको वहां झारखंड की एक लाइन याद आ गई, वो जो उसने पत्थर में लिख के दी थी, मैं तेरा लाल तू मेरा बाबा मैं तेरा। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यार, खड़े नहीं होना है, खड़े नहीं होना है, केवल वो तो हम ऐसा ही स्मरण कर। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यार, आप भी बोलिए। रिश्ता तेरा मेरा सबसे